फ्रेंड्स नमस्कार, आप सबका परिवर्तन आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इंडियन एक्सप्रेस को भी स्टार्ट करेंगे और इंडियन एक्सप्रेस में हम ब्रीफ में ही देखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ एनालिटिकली बहुत मदद करता है ये एडिटोरियल, हालांकि इतने अच्छे नहीं होते एज कम्पेयर टू द हिंदू। द हिंदू को हम प्रॉपरली शेप में करेंगे और ये जो इंडियन एक्सप्रेस है उसको अटैच किया जा रहा साथ में, ताकि एक प्रॉपर करंट अफेयर भी तैयार हो जाए और पूरा हमारा अटैच जो एनालिटिकल पावर होती है, एनालिसिस पावर, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और जो क्वेश्चनिंग हो एक दो जो भी उसको आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देखें हम, बिग ब्रदर इन रूरल चाइना इन्फॉर्मेशन। तो एक इम्पोर्टेंट सा एक वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, यह है ज्वीलाइंग। ये एक तरीके से एक ऐसा सिस्टम चाइना डेवलप कर रहा है जो रूरल एरियाज के अंदर जो एजेंसीज है उनकी सिक्योरिटी को बेटर करने के लिए और जो लोग हैं उनको प्रॉपरली एक तरीके से सर्विलेंस प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए जिसको जिसके थ्रू वो प्रॉपर एक तरीके से इंटरलिंक एक तरीके से सर्विलेंस प्रॉपरली हो। तो इस तरह का एक सिस्टम डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ज्वेलिंग जिसको बोलते हैं चाइना, इस तरह के सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जाना जा रहा है चाइना और ये इंडिया के लिए एक मैसेज भी कि हम लोग भी सीख सकते हैं। सेकंड थिंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंडियन करेंसी जो है लगातार डाउनफॉल हो रहा है, इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो लगातार गिर रही है और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि लगभग 69 मार्क जो है वो ऑयल प्राइसेस की वजह से डाउनफॉल हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो हमने जैसे द हिंदू में डिस्कशन किया था कि इंडियन करेंसी जो है डॉलर वो एशिया की सबसे वर्स्ट परफॉर्मर बन गई, लगातार उसका जो है वैल्यू कम होती जा रही है। हालांकि मूडीज जो एक रेटिंग एजेंसी उसने बोला कि इंडिया अभी भी इतना कंसर्न नहीं है, वल्नरेबल नहीं है, भले ही डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, उसके पीछे एक रीजन बताया कि इंडिया इंटरनेशनल इतना नहीं है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को अगर आप समझेंगे थोड़ा सा तो इंडियन इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं है, कंजप्शन बेस्ड ज़्यादा है, यानी हम घरेलू स्तर पर हमारी एक जो पॉपुलेशन है जितना उपभोग करती है उसके साथ अटैच होती है हमारी इकोनॉमी। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है इसमें। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमने पहले ही पढ़ी थी कि स्विस बैंक के अंदर इंडियन जो लोग हैं भारतीय लोगों का डिपॉजिट बढ़ रहा 50% तक, वहाँ पर लगभग 1.2 बिलियन जो है स्विस फ्रैंक जमा किए हैं, लगभग 7,000 करोड़ रुपए हमने हमारे टोटल हैं, यानी इंक्रीज हुआ है, वैल्यू जो है इंक्रीज हुई है। तो इससे एक संकेत जाता है कि हमने वही पैसा तो हमारे पास आ रहा है, कंट्री के पास पैसा है लेकिन वो पैसा जो है वो इन्वेस्ट नहीं हो रहा, वो एक तरीके से बैंक में सेव्ड है। ठीक है, स्विस बैंक में खासकर, और स्विस बैंक में सेव होने का मतलब है कि आपको टैक्स भी देना है वहाँ पर। ठीक है, ये भी एक वहाँ पर फैक्टर है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो तो टाइम बताएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि जो स्विस बैंक में पैसा वो ब्लैक मनी हो, प्योर वाइट मनी भी हो सकती है, तो उस बारे में हम लोग इसमें बात नहीं करेंगे। और आरबीआई ने एक इस तरह की पॉलिसी भी अपनाई थी कि इसके लिए लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, कि हम जो पैसा है वो वापस आए बैंक हमारे सेक्टर में, हमारी कंट्री में, और उनको कुछ इनिशिएटिव दिए, लिबरलाइजेशन भी दिया गया कि आप पैसा जो वापस लेकर आए अपनी कंट्री में। यहाँ पर एक सेमिनार होता है इंडिया और चाइना के जो एम्बेसडर्स हैं उनके साथ, और इसमें बेसिकली बताया गया कि प्रोसेस क्या हो। वुहान में जो इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट है इंडिया और चाइना के बीच, प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, या उनके प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में, तो उसके बारे में डील किया गया, बताया गया कि इनफॉर्मल मीटिंग से एक तरीके से ट्रैक पर आए हैं रिलेशनशिप में, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, ये रियलिटी है। और वुहान यांगत्जे रिवर है जो कि हुबेई प्रोविंस है, चाइना का प्रांत है, उसमें एक जगह है, तो यांगत्जे रिवर जो है मेंशन जिसमें जरूर कर लेना। इसके बारे में एडवांस डिस्कशन किया गया है सेक्शंस के थ्रू, जैसे कम्युनिकेशंस यहाँ पर डील किया गया है, किंगडाओ में अभी जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी उसके लिए जो रिलेशनशिप में जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं, ठीक है, कॉपरेशन बढ़ा है, पर्सनल एंड कल्चरल एक्सचेंज बढ़ा है, तो उन चीज़ों के बारे में एक तरीके से सेमिनार हुआ, तो उसमें ये चीज़ें डील की गई, डिटेल से डिस्कस की गई।
यहाँ पर बात की गई है क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट इंडिया पर कितनी पड़ सकती है। वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट किया कि इंडियन जीडीपी पर और जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, मॉनसून का पैटर्न चेंज हो रहा है। देखिए क्लाइमेट चेंज का मतलब ये था कि अगर हम इस एनवायरनमेंट पर एक प्रेशराइज करते हैं, सिंपली समझें, तो उसकी वजह से जो चेंजेज हो रहे हैं जलवायु में, चाहे वो टेम्परेचर में बढ़ने की बात हो या जो मॉनसून पैटर्न है बदल रहा है, आप देखेंगे कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, फ्लड आ रही है, ड्राउट पड़ रहे हैं, सूखे आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें एक तरीके से सिंबल हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और जैसे जैसे अगर टेम्परेचर राइज होता जाएगा तो एक और ख़राब सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है कि अगर इस तरीके से चीज़ें बढ़ती रही तो इंडिया पर लगभग 2.8% GDP का इम्पैक्ट डालेगी, और इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन जो है इंडिया की उसको सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगी। एक रिपोर्ट थी साउथ एशिया हॉटस्पॉट द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड परसेप्शन चेंज ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब जो ये भी एक रियलिटी है, जो लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है यानी जो रहने का तरीका है, स्टाइल चेंज हो रहा है ह्यूमन बींग का, वो इम्पैक्ट कर रहा है इस पर, और उसी के बारे में बातचीत हुई है सारी, उसी के बारे में डील करता है कि अगर टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो 2021वीं सदी तक और सिचुएशन जो है ख़राब हमें देखने को मिल सकती है। हमने पेरिस एग्रीमेंट किया, हमने जो इम्पोर्टेंट यहाँ एक बात बताई कि पेरिस एग्रीमेंट किया हम लोगों ने, ठीक है, उसमें टेम्परेचर को कम करने की बात करी और क्लाइमेट चेंज के लिए अल्टरनेट हमने प्रोवाइड करने की बात करी, लेकिन रियलिटी ये भी कोई एक्शन प्लान नहीं दिख रहा। हमने एक पॉलिसी तो फ्रेम कर दी, फॉर एग्जांपल हमने रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ही पढ़ा कि 2022 तक हमने लगभग 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, लेकिन अब तक केवल 69 गीगावाट ही हम प्रोड्यूस कर पाए, केवल 3-3.5 साल हमारे पास शेष हैं। तो उस समय टारगेट्स को बनाना आसान है, टारगेट्स को अचीव करना इम्पोर्टेंट है, तो वो कैसे करेंगे उस चीज़ के बारे में डील नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इमेज है, एक इंटरव्यू टाइप है, आप देखना चाहे तो इसको देख सकते हैं, जस्ट एक ओवरव्यू इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। ये जो एक ये आर्टिकल है, ये बेसिकली आर्टिकल है कि भारत लगातार डेंगू पर चर्चा करता रहता है, और डेंगू बेसिकली मॉनसून के सीजन में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन हम इस दौरान चिकनगुनिया को इग्नोर कर देते हैं। डेंगू पर हमारे बहुत सारी पॉलिसी बनाई है, लेकिन जो चिकनगुनिया जो डिजीज़ है उसके बारे में पॉलिसीज में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। आप लोग नीचे एक कमेंट करना कि चिकनगुनिया जो होता है किसकी वजह से होता है, कोई ऐसा जैसे डेंगू एक फिक्स है, एक वायरस के थ्रू होता है या बैक्टीरिया के थ्रू होता है या प्रोटोजोआ के थ्रू होता है, पहली चीज़ तो ये कमेंट करनी है। अगर किसी स्पेसिफिक मच्छर से होता है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसमें हमें यार ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल नहीं आएगा कि चिकनगुनिया के बारे में मेंस में लिखिए। इस तरह की हो सकता है कि चिकनगुनिया का रीजन्स क्या है, ये पीटी में हो सकता है, प्रिलिम्स में डिजीज रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर जो चीज़ें ये वाला एडिटोरियल आप देखेंगे, हम एडिटोरियल सेक्शन में जाएंगे। एडिटोरियल हालांकि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आते, लेकिन फिर भी कुछ एडिटोरियल जो डील करने चाहिए, डिस्कशन करने चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि जो अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जगह एक नया बिल लेकर आए हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ड्राफ्ट बिल पेश किया गया, और कई रीजन्स थे कि एक तो प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था यूनिवर्सिटीज़ का, रैंकिंग में अगर हम देखें वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हमारा नाम ही नहीं आ रहा था, तो कई रीजन्स थे, ऑटोनमस के स्वतंत्रता की बात थी, उनके स्वायत्तता की बात थी, वो सारी चीज़ें इसमें थी। ये बिल प्रेजेंट किया गया और बेसिकली इसमें बताया भी गया कि फोकस करता है मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग एकेडमिक स्टैंडर्ड इन यूनिवर्सिटी, और ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ कंसर्न किया गया है कि आपने फंड्स को और एकेडमिक्स को अलग कर दिया। ये बिल हमने डील भी किया था, कल डिस्कशन किया था डिटेल से, तो आप उसको देख सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि जो फंडिंग होगी, जो इनको ऐड मिलती है, जो सहायता मिलती है इंस्टीट्यूशंस को, वो अब HRD मिनिस्ट्री प्रॉपरली डील करेगी, तो इससे एक नेगेटिव असर पड़ेगा और ऑटोनोमस जो होती है, स्वायत्तता जो है इंस्टीट्यूशंस की प्रभावित होगी, इफेक्टेड होगी, इस बारे में बताया गया। जनरली आपको ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा, एडिटोरियल का ये पक्ष भी इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल एनालिसिस टाइप में जरूरी है कि आप लोग HRD मिनिस्टर टोटली अगर
उसमें इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे, तो एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन, राजनीतिक हस्तक्षेप होने की संभावना भी रहती है, क्योंकि भले ही वो एचआरडी मिनिस्टर हो लेकिन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो रिलेटेड होते हैं, तो ये कंसर्न बताया गया इसमें। ठीक है, यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। जब भी आप आर्टिकल पढ़े ना, तो आप ये जरूर देखें कि एडिटोरियल लिख कौन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सुशील कुमार मोदी जी लिख रहे हैं, जो बीजेपी के लीडर है बिहार से, तो पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी बेस्ड होगा, ये तय है, लेकिन ये भी प्रिजुडियस नहीं होनी चाहिए, पूर्व धारणा नहीं होनी चाहिए कि केवल राजनीतिक लिखेंगे, लेकिन झुकाव वो इतना तो तय होता है कि सरकार के खिलाफ नहीं लिख रहे, लिबरली नहीं लिख रहे। पॉलिटिकल व्यक्ति जो है वो लिबरल एडिटोरियल नहीं लिख सकता, ये एग्जैक्टली है। और इसमें हालांकि कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम समझ लेते हैं। जीएसटी के बारे में बताया गया कि वन नेशन वन टैक्स के बारे में जो कंसेप्ट था वो शुरू किया गया, बहुत पहले से इस तरह की चीज़ें परफॉर्म हुई, और जिस प्रकार सरदार पटेल जी ने इंडिया को एक तरीके से एकीकृत किया, समेकित किया, जो हम देशी रियासतों में बटे हुए थे उनको एक किया, उसी तरीके से जीएसटी भी हमें टैक्सेशन के मामले में एक करता है। यहाँ पर बताया गया 37 टैक्स हैं, डिफरेंट टैक्स ले 16 लेवीज थी और 15 प्रकार के सेस और सरचार्ज है। आप लोग नीचे ना एक कमेंट करना कि सेस और सरचार्ज में डिफरेंस क्या होता, अंतर क्या होता, वो आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ बेसिक चीज़ें बताई गई कि ये जो शुरू हुआ था उससे पहले बहुत से चैलेंजेस हमें फेस करने थे। फॉर एग्जाम्पल कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था, क्योंकि ये एक तरीके से टैक्स से रिलेटेड था और जहाँ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रभावित करता है, रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करने वाले चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए। 101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रूप में हमने पास किया, चैलेंज था ये। फिर ड्राफ्ट बनाना चैलेंज था कि किस तरह का ड्राफ्ट हो जिससे एक तरीके से एक सहमति हो, आम सहमति बने। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, वो सारी चीज़ें इसमें चैलेंज थी। ठीक है, फिर इसको इंट्रोड्यूस करना एक चैलेंज था अपने आप में कि हम लोग इसको लागू करेंगे। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट इसमें चैलेंज रहा। इसके बाद हम देखते हैं जीएसटी हमने लॉन्च कर दिया। फिर एक डाउट उठ रहा था, बहुत से क्वेश्चन उठे कि जीएसटी क्या वास्तव में इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर होगा। और स्टार्टिंग में थोड़ा हम देखते हैं यहाँ पर इकोनॉमी डाउनफॉल हो गई थी हमें, 7 से ऊपर जो स्पीड चल रही थी वो 6 से ऊपर होगी, तो कमी देखने को मिली। और जो बताया भी गया था स्टार्टिंग में, हम देखते हैं कि लगभग 92,851 करोड़ के आसपास एक एवरेज रही मंथली, लेकिन फिर बढ़ी जीएसटी की इसी साल जो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला, और फाइनली ये लगने लगा ट्रैक पे कि हम लोग जो है जीएसटी के मामले में सुधार कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कई इम्प्रूवमेंट हुए, जैसे ई वे बिल आया कि जो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको सिंप्लीफाइड कर दिया जाए, वो एक इम्पॉर्टेंट फेज इसमें दिखा। इसके अलावा हालांकि अभी भी बहुत सारे चैलेंजेज है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंडर लाना, और क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है स्टेट और सेंटर दोनों के लिए, खासकर स्टेट गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, तो कंसर्न है वहाँ थोड़ा सा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, इसके बाद ही हम लोग इसको इन्वॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में बताई गई, अच्छी चीज़ें भी, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो रही थी तो उसके बारे में कुछ नहीं। हम लिबरली कहने का मतलब ये है कि जब आप ऑथर को पढ़ते हैं ना तो ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, आप उसको थोड़ा समझिए, एग्जैक्टली कुछ कहना चाहता है उसकी बात को समझिए। ठीक है, ये वाला एडिटोरियल हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर 1978 में प्लानिंग कमीशन किस प्रकार से काम कर रहा था उसके बारे में बताया, उसको जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इस तरह के ना तो हो गए, ना हुए हैं और ना होने की संभावना है, तो तीनों कंडीशंस में ये एडिटोरियल काम का नहीं है। यहाँ पर एक एडिटोरियल है हम जो डिस्कशन करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी एक रिपोर्ट आई थी, आप जानते हैं वुमेन्स पर ये आर्टिकल है, वुमेन सिक्योरिटी इन इंडिया, एक सर्वे होता है जिसको बोलते हैं थॉमसन रिटर्न्स फाउंडेशन द्वारा एक सर्वे होता है, और उसने बताया कि भारत में जो महिलाएं हैं वो अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रियों से भी खराब सिचुएशन में सिक्योरिटी कंसर्न से, और बताया गया बहुत सारे केसेस अगर हम देखें, चाहे हेल्थ केयर की बात हो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात हो, भेदभाव की बात हो, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो, इस तरह की कस्टमरी प्रैक्टिसेस हो, सेक्सुअल वायलेंस हो, नॉन सेक्सुअल वायलेंस हो,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ये सारे केसेस वुमेन्स के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, इसके लिए सैंपल साइज बताया गया कि 500 यूज किया और गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। लेकिन अब बात ये उठती है कि भले ही हम रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दें, हम इस चीज़ को ठीक एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम पाकिस्तान और इन कंट्री से अच्छे नहीं हैं पर्सनली, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा क्या बताता है कि पिछले 3 ईयर्स में 34% के अप्रोक्सीमेटली जो है इंक्रीज हुआ है वुमेन्स केसेस में। और यहाँ तो कुछ ही केसेस बताए गए, एसिड अटैक वगैरह भी अगर हम ऐड कर लें तो लंबा चौड़ा दायरा होता है। उसके अलावा एक रिपोर्ट और शो करती है कि 92% के अप्रोक्सीमेटली जो है रिलेटिव होते हैं, जान पहचान के होते हैं, कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी होती है, यानी अननोन के बजाय नोन का प्रतिशत ज़्यादा है। हम भले ही इस चीज़ को रिजेक्ट कर दें, रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दें, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वुमेन्स केसेज लगातार इंक्रीज हो रहे, उसको कैसे हम डिक्रीज करेंगे एक्ट के थ्रू या पॉलिसीज के थ्रू, वो आपको देखना पड़ेगा। वुमेन्स की इक्वलिटी, जो महिलाओं की सुरक्षा है, एक तरीके समानता है, उसमें उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कम्युनिटी को पूरी को। तो इसके बारे में ये एडिटोरियल हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये बीजेपी के लीडर हैं और ये बोल रहे हैं कि एमरजेंसी जो है डार्केस्ट आवर है, तो अगेंस्ट है। वो सिंपल सी बात है, कोई इसमें गलत भी नहीं है। जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज के विरुद्ध ही बात करेंगे। राजनीति का काम राजनीति करना होता है। कई लोग बोलते हैं कि इस चीज में राजनीति, और जहां राजनीता जाएगा राजनीति अपने आप नेचुरल है। यहां पर बताया गया इंदिरा गांधी के बारे में कि इंदिरा गांधी के बारे में, ये अशोक मनो सिंह भी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो तो उनके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी पार्टी की क्या डील है, किसने क्या स्टेटमेंट दिया, पॉलिटिकल आर्टिकल है तो इसके बारे में हम डील नहीं करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को एक तरीके से ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ग्रे लिस्ट का मतलब ये होता है कि अब पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दो चीज़ों पर काम करता है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग वर्ल्ड में, और जो टेररिस्ट होते हैं उनको फंडिंग के मामले में, दो चीज़ों पर ये बेसिकली काम करता है। और अगर ब्लैक लिस्ट पाकिस्तान होता है तो इसका इकोनॉमी पर, एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस पर नेगेटिव असर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर न्यूज है कि 16 जुलाई को दो बड़े राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन जो हेलसिंकी में मिलेंगे, और ये बात हुई थी कि थर्ड कंट्री में दोनों मिलने वाले हैं। लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे, ये नहीं करेंगे, जो बैंकिंग सेक्टर का इश्यूज है, हमने बहुत बार डिस्कशन कर लिया है बैंकिंग सेक्टर का, फिर इन फ्यूचर फिर से कर लेंगे। तो यहाँ बताया गया कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि विदेशी कंपनी अगर इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लेते, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है एप्पल मान लेते हैं, वो अगर टाटा का 1% शेयर स्टॉक मार्केट में खरीद लेती है, ये इन्वेस्ट करती है, तो वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि ये टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि कभी भी पुल ऑफ किया जा सकता है, कभी भी वापस लिया जा सकता है। तो उसके बारे में बताया गया कि लगातार जो है ये आउटफ्लो बढ़ता जा रहा है, या एक तरीके से लोग जो है पैसा इंडिया से बाहर खींच रहे हैं, ये इकोनॉमी के लिए चैलेंज है। तो उसी के बारे में ये एडिटोरियल जो है, ये न्यूज जो है डील करती है। तो वो हमने डील भी किया था कि लगभग लगातार बढ़ रहा है ये, और द हिंदू में हमने इसका डाटा भी इंक्लूड किया था एग्जैक्टली कि मार्च और अप्रैल में, अप्रैल मई में काफ़ी इंक्रीज देखने को मिला, लगभग डबल के कगार पर पहुँच गए एक महीने के अंदर ही, क्योंकि टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट है लेकिन इसका असर इकोनॉमी पर पड़ेगा, ये एक क्या है। यहाँ पर मूडीज की एक रिपोर्ट है कि भले ही जो है ब्राज़ील, चाइना, मैक्सिको, रशिया एक तरीके से एमर्जिंग इकोनॉमी है और इनकी करेंसी की वैल्यू कम हुई है, लेकिन ये वल्नरेबल नहीं है या ज़्यादा इम्पैक्ट इन पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस बारे में बेसिकली बताया गया। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।